भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान येदियुरप्पा जी, श्री सदानंद गौड़ा जी, कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी और विशाल संख्या में पधारे हुए कुलबर्गी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कलबुर्गी जिल्लाधा आत्मीय नागरिका बंधु भगिनी रे, कलबुर्गी जिले के ಬಂದಿರುವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಶಹರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತಾ ಭಗವಾನ್ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ और भगवान कोरंती हनुमान जी को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन. मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे भीमा नदी के तट पर गाणगापुर के प्रमुख देवता भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करने का अवसर मिला. महान न्यायविद श्री विघ्नेश्वरा, महान शिक्षाविद स्वातंत्र सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ सहित यहां से संबंधित सभी तमाम महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं. जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कलबुर्गी के अनेक कर्मठ कार्यकर्ता दिए हैं. ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं. जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कलबुर्गी के अनेक कर्मठ कार्यकर्ता दिए हैं. ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, सर नहीं छोड़ूंगा. जब से आपने अपने प्रधान सेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है. आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी सरकार ने ही पूरा किया है. बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन दशकों के इंतजार के बाद हमारी सरकार ने ही इसको समर्पित किया. इसी तरह चितापुर से यदगिरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हो या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर से बीदर वाला सेक्शन हो, ऐसे कई नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है. गुलबर्गा के सीवेज सिस्टम, यहां के पार्कों की सुंदरता को निखारने के लिए अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दे रही है. साथियों, विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए
आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और मदद दे रही है। साथियों, विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी कर करके मैं मंच पे आया हूं। भारत पेट्रोलियम के रायचूर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रायचूर डिपो बहुत छोटा पड़ने लग गया था। यही कारण है कि पहले सिर्फ, याद रखना जरा, पहले सिर्फ 2.5 एकड़ में जो डिपो फैला था, अब वो 56 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। भाइयों और बहनों, कलबुर्गी के साथ साथ पूरे कर्नाटक की स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज हेल्थ से जुड़े 2 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुबली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में राज्य को एक बहुत बड़ी सौगात आज यहीं से मिली है। इस ब्लॉक के बनने से अब यहां 200 नए बेड की क्षमता तैयार हुई है। इसके अलावा 8 सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की सुविधा का निर्माण होने से गंभीर बीमारी का उत्तम इलाज हुबली में ही सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के मामले में भी युवा साथियों को कर्नाटक में ही अधिक अवसर मिलने वाले हैं। साथियों, आज ही राजाजी नगर में बने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण किया गया है। इस तरह के ईएसआईसी के देश में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से एक अब कर्नाटका में खुल गया है। पहले की सरकार कैसे काम करती थी, उसको सामान्य मानवी के स्वास्थ्य की कितनी चिंता थी, युवाओं के सपनों की कितनी चिंता थी, इसका जीता जागता प्रमाण ये यहां की कॉलेज है। साथियों, इस मेडिकल कॉलेज को बनाने का फैसला 2009 में किया गया था, पर इस मेडिकल कॉलेज का काम 2 साल बाद 2011 में ही बिल्कुल धीरी गति से लोगों को दिखाने के लिए चलता रहा। हमारी सरकार जब आई
तो हमने इस काम को गति दी। आज ये सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। इस कॉलेज के बनने से कर्नाटक में 100 MBBS और 55 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट बढ़ गई है। साथियों, कर्नाटक में जो ये अस्पताल बने हैं, इसे पूरी तरह से देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार करने का हमारा निरंतर प्रयास का प्रतीक है। अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण योजना भी हमारी सरकार ले आई है। कर्नाटक में गरीब बहन भाइयों को इसका कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, इसका अनुभव थोड़ी देर पहले मैंने खुद ने किया। आयुष्मान भारत योजना के अनेक लाभार्थियों को उनके दर्शन करने का, उनसे बातचीत करने का, उनके अनुभव सुनने का मुझे अभी अभी सौभाग्य मिला। और मैं देख रहा था कि बिल्कुल गरीब परिवार से आए हुए लोग, कोई 2 साल से बीमार, कोई 4 साल से बीमार, कोई 5 साल से बीमार, लेकिन कोई 2 लाख मांगता था, कोई 5 लाख मांगता था, कोई 3 लाख मांगता था। गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, वो बीमारी से परेशानी झेल रहे थे, मौत का इंतजार करते थे, लेकिन इलाज नहीं करवाते थे। आज जब मैंने उन्हें पूछा तो वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ने हमारी तो जिंदगी बदल दी और हमारा ऑपरेशन हो गया। सरकार ने, मैं डॉक्टर ने, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी ने एक नया पैसा नहीं लिया। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुपये लेने वाला नहीं, बस एक कागज लेके जाओ, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ उठाओ। और देश का गरीब अब बीमारी के कारण जिंदगी में मुसीबत नहीं झेलेगा, ये काम हमने कर दिया है। साथियों, इस योजना के माध्यम से देश में हर दिन औसतन 10,000 से ज्यादा गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में हो रहा है। और इसे शुरू हुए अभी मुश्किल से 150 दिन हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में ही 14 लाख से अधिक गरीब भाई बहनों का और बच्चों का इलाज हो चुका है। भाइयों और बहनों, सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उनको व्यवस्था से जूझना ना पड़े, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। बेंगलुरु में भी नहीं, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की नई बिल्डिंग, इससे इनकम टैक्स से जुड़े काम अब ज्यादा आसानी से किए जा सकेंगे। इस ट्रिब्यूनल द्वारा दशकों से तैसे किया काम हो रहा था, अब एक आधुनिक बिल्डिंग यहां की जनता की सेवा के लिए तैयार हो गई। साथियों, हमने इनकम ट्रिब्यूनल टैक्स की बिल्डिंग तो बनाई है, साथ में कर्नाटक सहित देश कर दिया गया। हर मध्यम वर्ग के परिवार 15 साल से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को ये काम कभी करने की हिम्मत नहीं हुई। आज वो काम हमने कर दिया है। फ्रेंड्स, आई एम डिलाइटेड दैट ए गर्ल्स हॉस्टल इन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी
is being dedicated to the nation. This will cater to the needs of several students from the Northeast who study in Bangalore. Friends, these youngsters may be away from home, but the central government is always there. Students from the Northeast who study in Bangalore. Friends, these youngsters may be away from home, but the central government is always there for their welfare. It is my privilege that the NDA government has got the opportunity to work extensively for the Northeast. We have put top priority for the development of the Northeast. This includes ensuring proper infrastructure, power connectivity, harnessing water resources, better health care, education and more. Sathiyo, Kendra ki NDA Sarkar sabka saath sabka vikas ke mantra par chal rahi hai. मध्यम वर्ग के साथ साथ हमारे किसान और हमारे मजदूर साथियों के लिए दो हफ्ते के भीतर भीतर दो बड़ी योजनाएं लॉन्च कर दी गई, लागू कर दी गई. कल ही देश भर में असंगठित क्षेत्र के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक बंधुओं के लिए, मजदूरों के लिए नियमित पेंशन की योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू हुई है. इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपये नियमित हर महीने पेंशन तय किया गया है. यानी साल भर में करीब करीब 40,000 रुपया बुढ़ापे में उसको काम आएगा. साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, खेत मजदूर है, आपके घर में कपड़े धोने वाला है, या कोई रसोई बनाने वाली बहन आ रही है, या आपका ड्राइवर है, या आपकी सोसाइटी में लिफ्ट चलाने वाला है, या दूध देने आता है, सब्जी बेचने आने वाला है, अखबार बेचने के लिए आने वाला है, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, जब शरीर काम करता है तब तक तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब शरीर काम करना ढीला हो जाता है तो अपने भी रिश्तेदार बुढ़ापे में छोड़ देते हैं. ये मोदी सरकार है, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ रही है और 60 साल के बाद उनको 3,000 रुपया पेंशन हर महीने मिल जाए ताकि वो सम्मान के साथ जिंदगी जी सके. और 42 करोड़ लोग इसका फायदा ले सकते हैं, 42 करोड़. इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूं मेरी बंजारा समाज की माताएं बहनें यहां बैठी है. हमने अभी घुमंतू समुदाय के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का इस बजट में घोषणा की है. इस घुमंतू समाज के वेलफेयर बोर्ड से समाज में घुमंतू समाज है जिसमें हमारा बंजारा समाज भी है, उनके वेलफेयर के लिए पहली बार देश में अलग बोर्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है. भाइयों बहनों, यहां मुझे कोली समाज के सभी नेता मिले, उन्होंने मेरा सम्मान किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके इस समर्थन के लिए. साथियों, कामगारों की ही तरह देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान परिवार
जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना तय है। इसके तहत केंद्र सरकार सीधे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए जमा करने जा रही है। 75,000 करोड़ रुपया हर साल। आप कल्पना कर सकते हैं, गांव में जब किसान के हाथ में 75,000 करोड़ रुपया गांव में पहुंचेगा तो गांव की इकोनॉमी कैसी दौड़ने लगेगी। और इसकी पहली किस्त देश के करोड़ों किसानों को ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मिल चुकी है। भाइयों बहनों, ये लाभ कर्नाटक के भी लगभग 71 लाख किसानों को मिलना तय है। लेकिन मैंने पहली किस्त दे दी, देश भर के किसानों को मिल गई, लेकिन जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति के खेल खेलने हैं, किसानों का भला करने का इरादा नहीं है, ऐसी कुछ सरकारें हैं, इनको लगता है कि अगर उनके राज्य में किसान के खाते में 2,000 रुपये पहुंच गया तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएंगे। और इसलिए ये कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। देश भर के किसानों को हमने पैसे पहुंचाए, लेकिन मैं कर्नाटक के किसानों को पैसे नहीं पहुंचा पाया। इसके गुनहगार, किसानों के दुश्मन ये आपके बेंगलुरु सरकार में बैठे हैं। कर्नाटक का कोई भी किसान विरोधी लोगों को माफ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए भाइयों, जब दिल्ली सरकार पैसे दे रही है, किसान के खाते में दे रही है, तो इनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? इनको तकलीफ होनी चाहिए क्या? तो तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि मोदी सीधा बैंक के खाते में पैसा जमा कर रहा है, बीच में कटकी करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कोई उसमें से 2-5 रुपया भी निकाल नहीं पाएगा। अगर उसमें से कुछ मिलेगा नहीं तो करेंगे क्यों? ये भ्रष्टाचार के आदि लोग कर्नाटक के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर कर्नाटक के किसानों के हक के बीच में वो दीवार बन के खड़े रहे तो कर्नाटक के किसान उस दीवार को ध्वस्त कर देंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूं। भाइयों बहनों, यही भ्रष्टाचार और वंशवाद की महामिलावट करने वाले लोगों की यही असल मंशा है, यही इन लोगों की सच्चाई है। ये वोट के लिए किसान गरीब का नाम लेते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद किसान को भूल जाते हैं, गरीब को भूल जाते हैं। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, बेंगलुरु में पता चले जरा। कर्ज माफी के नाम पर वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे?
उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था कि नहीं किया था, सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, झूठ बोल करके वोट ले गए कि नहीं ले गए, जनता की आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी, लोगों को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया, क्या कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफी पूरी नहीं हुई। किसानों, उसके बदले में क्या हुआ? किसानों पर केस कर, कर्नाटक के किसानों ने ऐसे खिलाड़ियों का बराबर हिसाब चुकते करने का मौका आ गया है। खुद तो अपना वादा निभाते नहीं है और दूसरा अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो लाभ भी किसानों तक पहुंचाने में अड़ंगे डाल रहे हैं, अड़ंगे डाल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बिचौलिए दलालों को मेरी योजना में कोई जगह नहीं है। क्या इस योजना से उनके करीबियों का लाभ नहीं होगा इसलिए वो पीएम किसान योजना से जुड़ना नहीं चाहते? साथियों, हमारा कर्नाटक का बहुत एक इलाका है जो गन्ना किसानों का है, गन्ना उत्पादन में अग्रिम श्रेणी है, सुगर केन। गन्ना किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, प्रति क्विंटल गन्ने पर लगभग 14 रुपये की अतिरिक्त मदद सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई गई है। ये भी सीधे उनके खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनकी परेशानी यही है कि जब तक मोदी रहेगा चोरों की दुकान बंद। पहले ये मदद चीनी मिलों के माध्यम से दी जाती थी, पिछले हफ्ते ही सरकार ने फैसला लिया है कि जो चीनी मिले किसानों को बकाया देने में अड़चन महसूस कर रही है उनके लिए भारत सरकार सॉफ्ट लोन का प्रावधान करेगी। ऐसी मिलों को बैंकों से कर्जा दिलवाया जाएगा जिसके एक साल के ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। साथियों, चीनी की ज्यादा पैदावार से कीमतों पर ज्यादा असर ना हो इसके लिए एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। चीनी के आयात पर 100% शुल्क भी लगाया गया है, चीनी निर्यात करने की अनुमति भी दी गई है। इसके साथ ही गन्ने से बायोफ्यूल तैयार करने के लिए देश भर में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सरकार ने जो कदम उठाए उसके चलते इथेनॉल की सप्लाई पहले की तुलना में 4 गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इथेनॉल का देश में और बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाला है। पेट्रोल डीजल से लेकर हवाई ईंधन तक में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है। साथियों, इथेनॉल से जुड़ी टेक्नोलॉजी आज नई नहीं है, दुनिया में बहुत पहले से टेक्नोलॉजी चल रही है। यही कारण है कि जब अटल जी की सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया था लेकिन अटल जी की सरकार के जाने के बाद फिर इन्होंने ताले लगा दिए। हमारी सरकार आने के बाद इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इथेनॉल से गन्ना किसानों को तो लाभ मिल रहा है, भविष्य में देश की कच्चे तेल की आयात करने की जरूरत को भी हम कम कर पाएंगे। साथियों, देश के किसानों से जुड़ी, देश के सामान्य मानवी से जुड़ी योजनाओं के प्रति कांग्रेस और उसके समर्थकों के इसी रवैये ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आप याद करिए, जब हमने जनधन योजना शुरू की थी तो कैसे इसका मजाक उड़ाया था, जब हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की थी
तो कैसे उसकी राह में रोड़े अटकाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। आज यही जनधन अकाउंट, यही आधार नंबर आपके मोबाइल ने एक ऐसी त्रिशक्ति का निर्माण किया है कि इनके लिए भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अब यह सुनिश्चित हुआ है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से एक रुपया भेजती है तो 100 के 100 पैसे पूरे गरीब के खाते में सीधे जाते हैं। बीच में कोई बिचौलिया किसी का हक नहीं मार सकता। साथियों, पहले की सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हमारे देश में करीब करीब 8 करोड़ लोग ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर थे, पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा नहीं होते थे उनकी शादी हो जाती थी, पैदा नहीं होते थे वो विधवा हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो बूढ़े हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो अपंग हो जाते थे, दिव्यांग बन जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप लेने लगते। सारा गो सारा पैदा ही नहीं हुए ऐसे लोग कागज पे, 8 करोड़ लोग ऐसे थे, बताओ 8। और अभी भी होंगे, मेरी खुदाई काम चल रहा है, ढूंढ रहा हूं मैं। फर्जी नाम से गैस कनेक्शन लेना, फर्जी नाम से राशन कार्ड बनाना, फर्जी नाम से कॉफी स्कॉलरशिप निकालना, फर्जी नाम से पेंशन निकालना, फर्जी नाम से मनरेगा का पैसा मांग लेना, लेकिन ये 8 करोड़ कागजी लोग गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंचने दे रहे थे। अब हम व्यवस्था में जो पारदर्शिता लाए हैं उससे लीकेज तो रुकी है, गरीबों तक सीधे पैसे तो जा ही रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, ये नकली नाम जो थे उस नाम पर हर वर्ष 1,10,000 करोड़ रुपया ये बिचौलियों के हाथ में चला जाता था, वो बंद हो गया। अब मुझे बताइए, जिनको 1,10,000 करोड़ रुपया जिन जिन लोगों के पास पहुंचता होगा, अब बंद हो गया तो क्या वो मोदी जिंदाबाद बोलेंगे क्या, मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? अब मुझे उनकी गालियों से डरना चाहिए क्या, जरा भी डरना चाहिए क्या? आप है ना, मैं क्यों डरू? अरे 125 करोड़ देश के आशीर्वाद जिसके परसर पे होता है वो कभी डरता नहीं है, ना हिंदुस्तान से डरता है, ना वो पाकिस्तान से डरता है, ना किसी चोरों से डरता है, ना कभी बेईमानों से डरता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने ये ताकत मुझे दी है, 125 करोड़ देशवासियों ने ताकत दी है। ये जो दुनिया दमखम देख रही है ना, वो दमखम किसका है? आज दुनिया जो दम देख रही है किसका है, किसका है, किसका है? ये दम मोदी का नहीं है, ये दम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। साथियों, जब महामिलावट और स्वार्थ की राजनीति ही प्राथमिकता होती है तो देश को ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। सिर्फ अपने परिवार की, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को नया भारत, भारत की नई रीति, नई नीति पसंद नहीं आ रही है। अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके इसके लिए वो देश में मजबूत सरकार से डरते हैं, और इसलिए मजबूर सरकार ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके दिल्ली में मजबूर सरकार आ जाए।
आज कर्नाटक में मजबूर सरकार बनी है, क्या हाल है आप देखते हैं। एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है, वो कहता है मुझे इतना दो, दूसरा कहता है उसको दो दिया मुझे चार दो, तो शाम को तीसरा जाता है उसको चार दिया मुझे आठ दो, वो कहता है ले लो कर्नाटक की जनता को लूटो, जितना है बांटो। ये चलने देना है क्या? ये कर्नाटक का हाल बुरा हुआ, क्या देश का भी बुरा होने देना है क्या? देश को बचाना है कि नहीं बचाना है? देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? देश को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपकी माता बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देश आन बान से आन आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने आया, छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कही गई कर्नाटक का। ज्यादा बड़ी गलती नहीं, छोटी हो गई। कर्नाटक का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी छोटी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 30 साल के बाद दिल्ली में देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है, और पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसी पूर्णता के साथ आगे बढ़ती है वो आप हर दिन देख रहे हैं। अगर आधी अधूरी होती तो वो भी आधी अधूरी करके आ जाती, ये पूर्ण है तो सारा काम पूर्ण करके आ जाती है। साथियों, यही वजह है कि मोदी उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है, और इसलिए वो दिन रात एक ही काम, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन वो कान खोल करके सुन ले, और देशवासियों भी इन लोगों को बार बार समझ लीजिए, वे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए, और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। देश से आतंकवाद जाना चाहिए, देश से गरीबी जानी चाहिए, देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए। इसी मकसद से मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने मुझे आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ तीन जयकारा बोलना है, तीन जयकारा बोलना है। बोलेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? और आवाज सीमा पर तैनात देश के जवान तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी। मैं भारत मां की जयकारा बुलाने वाला हूं, तीन जयकारा बुलाऊंगा, और मैं आपसे चाहता हूं कि पूरी ताकत से मुझे साथ दीजिए। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।